नगर निगम शिमला के जून में प्रस्तावित चुनाव के लिए अब राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं, जिसके चलते कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया शहर के सभी वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी के जिला सचिव और पूर्व मेयर संजय चौहान ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा और कांग्रेस पार्टी की जन विरोधी नीतियों से जनता परेशान हो गई है। संजय चौहान ने कहा कि जनता अब विकल्प के तौर पर माकपा की ओर देख रही है, इसलिए शिमला नगर निगम चुनाव में सीपीआईएम पूरे 41 वार्ड में अपने कैंडिडेट उतारेगी। वहीं आपके साथ गठबंधन की चर्चा पर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, ऐसे में उनके साथ गठबंधन करने का कोई सवाल ही नहीं बनता। उन्होंने कहा कि हमें जनता ने हर बार चुनाव में भरपूर सहयोग दिया है, इस बार सभी वार्डों में माकपा की जीत होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित नगर निगम ने शहर की जनता से जो वायदे किए थे, उन सभी वायदों की व्यावहारिकता आज सामने है, जहां तीसरे दिन शहर में पानी की सुविधा मिल रही है। माकपा के जिला सचिव संजय चौहान ने भाजपा शासित नगर निगम पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 में जब सत्ता में आए थे तो 24 घंटे पानी देने का वायदा किया गया था, ये वायदा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वहीं संजय चौहान ने कहा कि शहर में सफाई व्यवस्था के हालात खस्ता है, स्मार्ट सिटी का पैसा इधर उधर खर्च किया जा रहा है, वहीं शिमला का ट्रैफिक प्लान, डेवलपमेंट प्लान सब कागजों में बन रहा है। उन्होंने कहा कि जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य किया जा रहा है, ऐसे में इस बार के चुनाव में भाजपा शासित नगर निगम को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। सीपीएम के द्वारा जो ये प्रेस वार्ता की गई है, ये जो पिछले 5 वर्षों में शिमला नगर निगम में जो भाजपा का कार्यकाल रहा है और 4.5 वर्ष का जो प्रदेश की सरकार का जो कार्यकाल रहा है, इसमें पूरे तरह से जो है शिमला शहर के विकास को जो है वो नज़रअंदाज किया गया है। और हमारी पार्टी का मानना ये है कि पिछले 5 वर्षों के अंदर देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, शहरी विकास मंत्री प्रदेश के और नगर निगम भाजपा की होने के बावजूद जो है एक भी परियोजना जो है इन 5 वर्षों के अंदर जो है भाजपा इस शिमला शहर के लिए ला नहीं पाई है। और जो पूर्व सीपीएम के नेतृत्व में जो नगर निगम थी, उसके द्वारा जो करीब 4,800 करोड़ की परियोजनाएं जो स्वीकृत करवाई गई थी, जिसमें मुख्यतः स्मार्ट सिटी जो 2,906 करोड़ की है, इस पेयजल की और सीवरेज की व्यवस्था सुधारने के लिए जो विश्व बैंक की परियोजना करीब 950 करोड़ की, 248 करोड़ की अमृत, इसके अलावा जो ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट था, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स थी, पार्किंग्स थी, करीब 4,800 करोड़ की जो परियोजनाएं थी जिसमें आजीविका भवन भी शामिल है, वो जो परियोजनाएं हैं वो अभी तक जो है कई परियोजनाएं तो आरंभ नहीं की गई है और पूर्ण तो कोई भी परियोजना नहीं की गई है। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि स्मार्ट सिटी का केवल मात्र अभी तक 9% पैसा जो है वो खर्च किया गया है, जबकि 5 साल उसके जो है पूरे हो चुके हैं और वो परियोजना खत्म होने वाली है। इसका हश्र भी जो है भाजपा की सरकार और नगर निगम उसी तरीके से करने जा रही है जिस तरीके से JNNURM का हुआ। दूसरा जो यहाँ पर मुख्य मुद्दा है वो ये है कि इन 5 वर्षों के अंदर भाजपा के द्वारा जनता के ऊपर टैक्स लादने के अलावा कोई काम नहीं किया। आज आप देख रहे हैं कूड़ा उठाने की फीस जो 2017 में घरेलू दर जो है 40 रुपये प्रति माह थी, वो आज जो है 106 रुपये से ज़्यादा हो गई है। पानी की दरों में 65 से 70% से अधिक जो है वो किया है। पानी 3 से 4 दिन तक जो है वो मिल नहीं रहा है लोगों को और बिल जो है 25,000 और 2.5 लाख के करीब आ रहे। तो हम मांग कर रहे हैं, यदि मुख्यमंत्री महोदय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए घोषणा कर सकते हैं कि वो जो है वहाँ के बिल माफ़ करेंगे, तो शिमला शहर और जो अन्य शहरी क्षेत्र हैं जहाँ पर 10 लाख के करीब प्रदेश की जनता रहती है, उनके बिल भी जो है माफ़ किए जाए। और आने वाले समय में माकपा जो है, सीपीएम जो है, भाजपा की इन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो है विकल्प तैयार करेगी और नगर निगम के चुनाव में एक सशक्त विकल्प जो है, जो पूर्व में जो है नगर निगम ने सीपीएम के द्वारा जो कार्य किए गए थे उनके विकल्प के रूप में जो है नगर निगम चुनाव में जाएगी। अभी आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा अस्तित्व शिमला शहर के अंदर दिखाई नहीं देता है, आने वाले समय में किस तरीके से होगा, पर अभी अगर आप देखें तो शहर के अंदर केवल मात्र 3 ही राजनीतिक दल है जो यहाँ पर लंबे अरसे से कार्य करते आ रहे, उसमें जो है
भाजपा है, कांग्रेस है और सीपीएम है। अगर आप 1984 से लेकर देखें तो सीपीएम जो है नगर निगम के अंदर, विधायक भी शिमला से जो है सीपीएम के रहे और महापौर उप महापौर भी रहे, तो विकल्प केवल मात्र कांग्रेस और भाजपा का एक जो है शिमला शहर की जनता जो चुनकर देती है वो सीपीएम है।